हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो मैं आज बना रही हूँ रमास की फली की सब्जी। इसको रमास की फली भी बोलते हैं, लोबिया की फली भी बोलते हैं। और ये मैंने ये बारीक बारीक कट करके रखी हुई है। और इधर मैंने आलू भी काटे हुए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन लिया हुआ है। अब मैं इनको अच्छे से कट कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं रमास की फली को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। ये देखिए, मैंने कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी थी। अब इनको फ्राई करेंगे थोड़ा सा हम। इनको अच्छे से फ्राई करेंगे 5 मिनट के लिए। फ्राई करके इनका स्वाद बदल जाता है तो सब्जी और स्वादिष्ट बनती है। एक बार आप जरूर बना करके देखें इसे। जब तक हमारी फली रोस्ट हो रही है तब तक हम मसाले काट लेंगे। प्याज को हम काटेंगे लंबा पतला इस तरीके से। टमाटर भी काट लेंगे, टमाटर भी लंबे लंबे पतले काटेंगे। हरी मिर्ची भी काटेंगे मोटे मोटे पीस में। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा मसाला कट करके तैयार हो गया। हरी मिर्ची, टमाटर, प्याज और लहसुन का पेस्ट। रमास की फली हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इनको हम अलग निकालेंगे। देखिए हमारी रमास की फली रोस्ट हो गई है। और रोस्ट करने के बाद इनका कलर भी चेंज हो जाता है और देखने में कितनी अच्छी लग रही है। ये हमारा तेल गर्म हो गया है। जीरा डाल देंगे, प्याज। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये देखिए हमारी प्याज भुन चुकी है। अब टमाटर डालेंगे इसमें हल्का सा, इनको भी फ्राई करेंगे। हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट, इसको भी डाल देंगे। और अच्छे से इसको लगातार भूनेंगे। डालेंगे रमास की फली, इनको भी अच्छे से लगातार भूनेंगे। ये देखिए खुशबू आने लगी है। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब डाल देंगे आलू, इनको भी अच्छे से चला लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से बगैर मसाले से सब्जी में कलर कितना अच्छा आया है, ये देख सकते हो आप। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच तीखी मिर्ची, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। ये देखिए ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है सब्जी का और खुशबू फैल रही है सारे घर में। तो 1/2 कटोरी पानी करेंगे। ये देखिए और इसको थोड़ा सा ढक कर के पकाएंगे 1/2। और ये देखिए हमारी 1/2 ढक कर की सब्जी पक चुकी है, बिल्कुल तैयार हो गई है। और ये देखिए आलू गल गए हैं हमारे। एकदम से सूखी सूखी, ऊपर से हम थोड़ा सा आमचूर डालेंगे इसमें, थोड़ा सा गरम मसाला। कर देंगे मिक्स।
और ये देखिए हमारी सब्जी एकदम खिले खिले बनी है। के लिए बिल्कुल तैयार है, परोस देंगे। लीजिए दोस्तों, हमारी सब्जी बन करके तैयार है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर से बताएं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें, भूलें नहीं। धन्यवाद।